अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है ढाबा स्टाइल दाल चना। ढाबा स्टाइल दाल चना बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है नोट कर लें। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं मैंने हाफ के जी दाल चना लिया है और इसको उबाल लिया है बिल्कुल सॉफ्ट। ये देख सकते हैं बॉयल, फुल बॉयल करके रखा हुआ है। ठीक है, चने की दाल को बॉयल कर लिया है मैंने। जो इसमें मसाले जाएंगे उसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हसबे ज़रूरत, 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। ये हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने लिया, इसको चॉप कर लिया, 2 अदद हरी मिर्चें लेके बीच में से काट लिया, 1 टेबल स्पून जूलियन कटी हुई अदरक, ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता, 1 दालचीनी, 3-4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 चिकन क्यूब, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। ये हम तड़के में यूज़ करेंगे। भगार में 2 हरी मिर्चें लेकर उसको बीच में से स्लाइस कर ली, 3 से 4 अदद जूलियन कटी हुई स्लाइस उसके अदरक के, 10 जवे लहसुन के लेके उसको इस तरह से स्लाइस में काट लिया, 2 टेबल स्पून बटर, ये हम तड़के में यूज़ करेंगे, 250 ग्राम टमाटर, 2 मीडियम साइज प्याज स्लाइस, ऑयल हसबे ज़रूरत। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, 1/2 kg दाल चना बॉयल, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, पेपरिका पाउडर, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, कसूरी मेथी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया, स्लाइस हरी मिर्च, जूलियन कटी हुई अदरक फॉर गार्निशिंग, तेज़पात का पत्ता 1, दालचीनी का टुकड़ा क्यूब, 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक, हरी मिर्च, मक्खन तड़के के लिए, 250 ग्राम टमाटर रफली कटे हुए, प्याज स्लाइस में कटी हुई। सबसे पहले आप एक पैन ले लेंगे, इसमें 1/2 कप ऑयल ऐड कर देंगे, तेज़पात का पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी। अच्छा, इसको 2 मिनट आपने सिर्फ फ्राई करना है, एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये देख सकते हैं आप इस तरह से तेज़ ऑयल में ये जैसे ही पकने लग जाए तो उसके बाद इसके अंदर हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। अच्छा, ये देख सकते हैं जैसे ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाएगा तो हम इसमें लहसुन अदरक ऐड करके 2 मिनट फ्राई करेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं इसके अंदर मैंने अपने लहसुन अदरक डाल के टमाटर डाल दिए। टमाटर के साथ मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कसूरी मेथी, जीरा, कुटा हुआ धनिया, ये तमाम चीज़ें भी ऐड कर दिए हैं, चिकन क्यूब, ये तमाम चीज़ें ऐड करके अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर साबुत गरम मसाला, 3 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, उसको मैंने ऑयल में कड़कड़ा लिया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी, प्याज के साथ मैंने इसको इतना पकाया कि प्याज लाइट गोल्डन कलर में हो गई। जब गोल्डन कलर में आ गई तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड किया, उसको 2 मिनट फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, तमाम मसाले जिसमें लाल मिर्च, पेपरिका, हल्दी, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, नमक, कसूरी मेथी और चिकन क्यूब, ये ऐड कर दिया। अब इसको ऐड करके अब मैं इसको इतना भून लूँगी कि टमाटर मेरे गल जाएँ, ऑयल ऊपर आ जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया, टमाटर भी हमारे गल गए हैं।
अब मैं इसके अंदर ये चने की दाल ऐड करके मिक्स करके इसको सिर्फ 5 मिनट दम दूंगी। ओनली 5 मिनट इसको दम दे दें। अच्छा जितनी देर में 5 मिनट में इस पे दम हो रहा है हम इसका भगार तैयार करते हैं। जिसमें आपने भगार करना है वो पैन ले लें, उसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून भर के मक्खन ले लेंगे हम और 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे। ये स्लाइस किया हुआ लहसुन और ये 1 से 2 स्लाइस अदरक के हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम चूल्हे पर रख देंगे, लहसुन को आप ब्राउन कर लें। ये देख सकते हैं आप 5 मिनट इसको मैंने दम दे दिया था। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हरा धनिया, अदरक और ये हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अच्छा आप किसी भी एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लें, फिर इसके ऊपर से हम तड़का लगाएंगे। ये देख सकते हैं लहसुन मेरा पकना शुरू हो गया, अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को आप हल्का सा फ्राई कर लें, लहसुन आपका ब्राउन में कलर में आ जाए। देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से हमारी हरी मिर्चें भी फ्राई हो गई और लहसुन अदरक दोनों चीज़ें ब्राउन कलर में आना शुरू हो गई। जैसे ही ये लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा तो हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल चना तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर डेली रेसिपीज़। दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़।